नमस्कार, मैं रचना शर्मा चुड़दी गला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंचकुला क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, एक के बाद एक नशा तस्करों को 2 किलो 620 ग्राम अफीम सहित किया काबू। यमुनानगर में हजारों की संख्या में लघु सचिवालय पहुंची आशा वर्कर, पूरे प्रदेश में आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। करनाल में 5 दिवसीय छठा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज, रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ हरियाणा में होने वाला छठा फिल्म उत्सव। और अब समाचार विस्तार से। पंचकुला क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है, एक के बाद एक नशा तस्करों को नशीले पदार्थ सहित क्राइम ब्रांच ने काबू कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने 2 अफीम तस्करों को कुल 2 किलो 620 ग्राम नशीले पदार्थ सहित काबू किया है। पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 मोहिंदर सिंह व उसके टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि नशे की इस चेन को तोड़कर नशे पर रोकथाम लगाई जा सके। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान पंचकुला पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी देश के हर प्रदेश में पर्दाफाश रैली करने जा रही है। इसको लेकर वे पंचकुला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे। इस बैठक में पर्दाफाश रैली को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी और इसी के साथ ही आगामी संगठन कार्यों की रूपरेखा को लेकर पंचकुला जिले के कार्यकर्ताओं से वे रूबरू हुए। बातें करती है, आप एक गो रक्षा संगठन बनाने जा रहे हैं, जबकि इससे पहले गो टास्क फोर्स बनी, तब भी कोई ऐसी क्रूरता नहीं रुकी, उल्टा जो घटनाएं हुई नासिर में। किसी गौ से कोई लेना देना नहीं, ये गौ पालने वाले नहीं है, कुत्ते पालने वाले लोग हैं। इनका कोई गौ रक्षा से कोई मतलब नहीं है। गौ के लिए इनका कोई किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्टिव काम, इन्होंने कोई काम प्रदेश में नहीं किया। अब ये चुनाव आ रहा है तो अब ये फिर दोबारा से जुनून पैदा करना चाहिए और कुछ नहीं। तो गोरक्षा संगठन बनने से आपको लगता है गुंडागर्दी जो होती है गोरक्षा के नाम पर रुकेगी? भैया पुलिस के लिए पुलिस को बंद कर दें, फिर तो यही पुलिस का काम कर लें। भाई जहाँ कोई भी कानून का उल्लंघन होता है, कोई भी जो हमारी गौ माता को जो कोई इस तरह से उनको हानि पहुँचाने का काम करता है या उनकी हत्या करने का काम करता है, तो उसके लिए कानून है ना, जाकर के रिपोर्ट करें पुलिस स्टेशन में, उनको रेड हैंडेड या कैसे भी उनको पकड़वाएं, उन पर छापे डलवाएं कहीं भी जहाँ भी है, और उनको सख्त से सख्त कानून के हिसाब से कार्रवाई हो। लेकिन खुद जो है ना जिस तरह का ये कर रहे हैं उसमें कहीं सच्चाई भी होती है तो कहीं गलत भी होते हैं, उनका दुरुपयोग भी होता है। कितने ऐसे केस आए कि जो पैसे ले लेकर के छोड़ भी देते हैं। पूरे प्रदेश में आशा वर्करों ने मोबाइल फोन वापस करने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय में धावा बोल दिया। उन्होंने सरकार को एसडीएम के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा, जिसमें ऑनलाइन डाटा व मोबाइल फोन को वापसी को लेकर मांग पत्र में लिखा हुआ था कि वे इतनी कम सैलरी में ऑनलाइन काम नहीं कर सकती, इसलिए सरकार को अपने फोन वापस दे दिए। वहीं आशा वर्करों का कहना है कि यदि सरकार 20 मार्च तक उनकी सुनवाई नहीं करती तो 5 अप्रैल को वह दिल्ली कूच करेंगे, जिसमें एक निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या रणनीति रहेगी, लेकिन तब तक वह ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगे। हाँ जी, अभी जो बात स्टेट कमेटी से अभी हमें फोन आया है कि अम्बाले से स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनके पीए ने मैसेज दिया है कि उन्होंने 20 तारीख तक की छुट्टी दे रखी है, तो 20 तारीख तक जैसे भी आगे डिसीजन होगा तब इसीलिए हमने ये प्रदर्शन उठाया है, नहीं तो वो तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन था, उनके पर बातचीत हुई, मैसेज गए, तब स्टेट कमेटी को उन्होंने 20 तारीख के बाद ही टाइम दिया है। लेकिन अभी मुंह से बोला है, आगे उसका पता नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री क्या करेंगे, बुलाएंगे जब देखते हैं, नहीं तो 20 तारीख के बाद तो फिर हमारी जो 5 तारीख को 5 अप्रैल को जो दिल्ली कूच है तो वहाँ पे बड़े आंदोलन की घोषणा होगी। हमें आशा वर्कर दिल्ली कूच करेंगे 5 अप्रैल को, क्योंकि वहीं पर ही बड़े आंदोलन की घोषणा होगी, क्योंकि ये तो हमें भी पता है। अभी तो उन्होंने हमें प्रदर्शन से उठाने के लिए
चाहे उन्होंने कैसे भी हमें उठाया है, मैसेज दिया है या फोन किया है, लेकिन हमें भी पता है कि वो बात करने वाले नहीं है। तो 5 तारीख को दिल्ली कुछ होगा, आशा वर्कर पूरे हरियाणा के आशा वर्कर दिल्ली कुछ करेंगे। पंडित चिरंजीलाल शर्मा गवर्नमेंट बीजी कॉलेज करनाल में 5 दिवसीय 6ठा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। यह हरियाणा में होने वाला 6ठा फिल्म उत्सव है। 5 दिवसीय उत्सव में 55 फिल्मों का प्रदर्शन होगा। आज पहले दिन कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए जाने माने फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा, बांग्ला अभिनेत्री ऋतु प्राणा, सेन गुप्ता और मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद व मुख्यमंत्री प्रतिनिधि संजय बटला, नवचेतना मंच के संयोजक SP चौहान के साथ साथ देश के जाने माने फिल्म अभिनेता और निदेशक कलाकार यहाँ पहुँचे हुए थे। अभी 6ठा साल है ये हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ आए हम और इसका जो आज बड़ी जोर शोर से पूरा हाउसफुल है, अंदर आगाज़ हो रहा है, शुरुआत हो रही है और धर्मेंद्र डांगी जी जो कि इसके कन्वीनर हैं और ऑर्गेनाइज़र हैं, वो भी बहुत ही उत्साहित हैं और खूब सारी फिल्में, खूब सारी शॉर्ट फिल्में और खूब सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं। और आज हमारी भी लाइफ एक्सप्रेस एक फिल्म है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता की और छिपकली है 4 बजे आज। उसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट फिल्में हैं जो दिखाई जाएंगी, कुछ डांसेस हैं, कुछ वंदना गणेश वंदना वगैरह कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल हरियाणवी परिधान में, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। बहुत ही बढ़िया चिरंजी लाल जो अपना गवर्नमेंट कॉलेज है करनाल का, आज बिल्कुल रौनक छाई हुई है और बड़े बड़े हमारे हरियाणा के बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हुए हैं और बहुत ही इंतज़ार है बस कि जल्दी से जा कर के अभी फिल्में शुरू करें, गाना मतलब फिल्में देखें और जिसके लिए हम आए हैं सिनेमा के लिए तो वो देखें। और हरियाणवी सिनेमा को बहुत ऊपर उठाने के अंदर इस फेस्टिवल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 2016 में शुरू हुआ था, हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी हिसार में और सारे हरियाणा के कलाकार इकट्ठे हुए। कलायत बैंक में चोरी के इरादे से पहुंचे चोरों ने बुजुर्ग चौकीदार पर नुकीले हथियार से वार कर दिया। चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए चौकीदार पर जानलेवा हमला किया, लेकिन शोर शराबे से घबराए चोर मौके से भाग निकले। कलायत में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में तड़के करीब 1 बजे चोरों ने दस्तक दी थी। शातिर लुटेरों ने नकाब से मुंह छिपा रखा था। बैंक के मुख्य द्वार पर चौकीदार मौजूद था, इसलिए शातिर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। वहीं वारदात को लेकर हरकत में आई पुलिस आगामी कार्रवाई में चुट गई है। भाई साहब ये किस टाइम हुआ भाई साहब, कैसे हुआ? अरे आप अकेले थे? दो जने थे। अच्छा, और सिंगार करना थी वो कह रहे चलन दबाने था, कुछ खून पाना था, 3 रोटी थी, 1 मिनट थी, मैं उन्हें सोचा कोई घर की नहीं बनी थी, तड़के ने तो घर के ना कह चाहिए वो मेरे लगा था जो मैंने कहा सी बी आई इस सूचता है मका मैं तो डालिया भाई जीता मरेगा या कहने तो वो पूछा था इसने भी लड़की चलाई है उसके लिए क्या उजाड़ ले रहे थे आपके, आप क्या आपके पास क्या था? मेरे पास हाँ हाँ। अरे वे क्या क्या उजाड़ ले रहे थे? हाँ जी, कहाँ से आ रहे थे वे? खाली अच्छे हैं टैंक ज़्यादा। अच्छा जी, भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक अशोक कुमार मीना ने कहा कि रबी के सीजन में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं की खरीद को लेकर सभी तैयारियां तुरंत प्रभाव से पूरी होनी चाहिए। खरीद के बाद भंडारण के लिए सभी फूड सिक्योरिटी डिपो यानी FSD में भंडारण की व्यवस्था निर्धारित मापदंड के साथ होनी चाहिए। वारदाने को लेकर पहले से ही सभी तैयारियां पूरी रखें। सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत गेहूं की खरीद की जाए। CMD अशोक कुमार मीना FCI के फूड सिक्योरिटी डिपो का निरीक्षण करने उपरांत अधिकारियों को संबंधित विषय को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। यमुनानगर स्टेशन पे उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। यमुनानगर में बेटी का पेपर दिलाने यमुनानगर आ रही महिला की उतरते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जांच अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन यमुनानगर पर पहुंची तो उसने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की और वह महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के पहिए के बीच जा गिरी, जिससे अचानक ट्रेन भी चल पड़ी और महिला की कटने से मौत हो गई। इस
इसके बाद गाड़ी में सवार लड़की ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। नरेंद्र जी, क्या मामला आज हुआ सुबह स्टेशन पर? ऐसा आज सुबह हरिहर नाथ एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन जमुनानगर जगाधरी पर करीब 9:42 पे आई थी, जो बिहार से 3 आदमी थे, एक जो मृतका है आनंदी देवी, उसकी लड़की है, उसकी लड़की का नाम है प्रियंका कुमारी और एक उसके गांव का ही लड़का है राकेश कुमार यादव। ये दोनों बच्चों को बीएड का पेपर देना था जमुनानगर में और उसकी माँ उनकी देख रेख के लिए साथ आ रही थी, जो सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं और वहाँ से वो चले थे और जमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। गाड़ी में भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, चढ़ने उतरने वालों की लोगों की भीड़ थी, जो उतरते समय महिला का पैर पावदान से फिसल गया या भीड़ भाड़ में धक्का लगा, जैसे भी जो भी रहा हो, वो महिला नीचे गिर गई प्लेटफार्म और गाड़ी के बीच में और गाड़ी चल पड़ी। दोनों बच्चे उस समय ट्रेन में थे, उन्होंने अपना रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, माँ गिर गई माँ गिर गई। फिर लड़की ने गाड़ी का चैन पुल किया और उतर करके आगे से आई। नरेंद्र जी, ट्रेन कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? ये ट्रेन हरिहर नाथ एक्सप्रेस है समस्तीपुर से, उसमें बैठा था बच्चों ने और आगे तो चंडीगढ़ जाती अम्बाला, यहाँ से अम्बाला जाना था। उनका पेपर जमुनानगर में था क्योंकि इसलिए उन्होंने जमुनानगर उतरने की। चिल्ड्रन पार्क वितकर झील बोटिंग का ठेका पिछले 1 साल से बंद पड़ा था, जिसके कारण लोग बोटिंग करने के लिए तरस रहे हैं और लोगों में काफी निराशा थी। लेकिन नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग व कार्यकारी अधिकारी कुलदीप सिंह के प्रयास से चिल्ड्रन पार्क वितकर झील पर लोग फिर से बोटिंग कर मस्ती कर सकेंगे, क्योंकि 3 साल के लिए चिल्ड्रन पार्क वितकर झील का बोटिंग का ठेका हो गया है। पंचकुला के अरुण एंटरप्राइज को चिल्ड्रन पार्क वितकर झील बोटिंग का ठेका दे दिया गया है। अरुण एंटरप्राइजेस कंपनी के इंचार्ज सूरज भा ने कहा कि बोटिंग के लिए आने वाले लोगों को लाइफ जैकेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे लोग सुरक्षित बोटिंग कर सके। % अनुभव है हमारा इसके वाटर स्पोर्ट्स का। टिक्कर ताल में करीब 7-8 साल से वाटर स्पोर्ट का काम चल रहा है। सर यहाँ आप आज की डेट में 4 कर्मचारी जुड़े हुए हैं, 2 लड़के और अभी 2-3 दिन के अंदर रख लेंगे। हमने ग्राहकों के सर 20 मिनट का टाइम रखा हुआ है और सुबह 9 बजे से शाम को 7:30 बजे तक बोटिंग चलेगी। हमारे टिकट का रेट है सर 75 क्षेत्र पेपर हेड के हिसाब से। सर एक मौके पे हमारे पास रेस्क्यू बोट है, गोताखोर है और गोताखोर हमारे साथ में है और प्लस हमारी जो निगरानी दल टीम है वो साथ में यहाँ मौके पे रहेगी शाम तक, जब तक बोटिंग चलेगी जब तक हमारी टीम नहीं रहेगी। यमुनानगर के हमीदा हेड के पास एक सरदार व्यक्ति का शव यमुना में तैरता मिला। इसकी सूचना आसपास के लोगों ने फौरन पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकालकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शव अभी कुछ घंटों पहले का ही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव गृह में रखवा दिया है ताकि उसकी पहचान हो सके। हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि नहर में एक डेड बॉडी तैर रही है, जो मैं तुरंत अपने मुलाजिमों के साथ मौके पर पहुंचा और हमने गोताखोर राजीव की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया है, जो एक सरदार की डेड बॉडी है और इसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास होगी और अभी ये आइडेंटिफाई नहीं हुई है और आइडेंटिफाई कराने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ही बयान कोई देगा उसकी मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। कोई मिसिंग की कोई कंप्लेंट या किसी तरह की कोई कंप्लेंट हो? अभी कोई मिसिंग की कंप्लेंट नहीं है और हम पूरे जिले में मैसेज दबा रहे हैं कि कहीं से कोई मिस हो, और वैसे भी मैं अपने आप ही चौक इंचार्ज और HO वाल सबसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ और अगर कहीं मिसिंग का पर्चा दर्ज होगा तो उस पर भी मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।
गांव ककसीना में मान्यवर साहब काशीराम ब्रिगेड के द्वारा काशीराम की जयंती के उपलक्ष्य में पहला रक्तदान शिविर लगाया गया और केक काटकर मान्यवर साहब काशीराम की जयंती मनाई गई। रक्तदान शिविर में युवाओं व महिलाओं ने भाग लेकर रक्तदान किया और इस मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री वेदपाल व किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विनय संधु ने मुख्य रूप से शिरकत की। उन्होंने काशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर मान्यवर साहब काशीराम ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने वेदपाल व विनय संधु का स्वागत किया। उन्होंने मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। जी मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा मान्यवर जो काशीराम ब्रिगेड है जिसके हमारे भाई हैं अशोक जी जिन्होंने आज ये इतना अच्छा सामाजिक कार्य है जो कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और आज इनका इनकी जो ब्रिगेड है मान्यवर काशीराम जी उनका भी आज पहला स्थापना दिवस है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने गाँव में मेरे गाँव गक्षिणा में जो आज ब्लड डोनेशन कैंप का जो आज लगाया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।